नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जाना कोचिंग क्लास बहराइच में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसी क्रम में मैं आज आपको इस सामने एक महत्वपूर्ण खबर लेके आया हूँ, जिसमें लिखा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ शुरू कराने के दिए निर्देश। तो चलिए इस खबर को जानते हैं कि क्या है। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए लखनऊ संस्करण जब आप खोलेंगे, जैसे जागरण में दिया गया है और यहीं से लिया हमने, तो जब स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो कुछ ऐसे आपको ये महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पे दी गई हैं, उसी में मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप खुद ही देख सकते हैं, जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं कि क्या उन्होंने आदेश दिया है और उन्होंने क्या कहा है, ज़रा देखिए इसको। तो अब इसमें आपका देखिए आ रहा है जल्दी जल्दी, ये देखिए आप, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है डिप्टी सीएम दिनेश डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लॉकडाउन हटते ही 15 दिनों में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू कराने के निर्देश दिए। मतलब कि इन्होंने कहा है, जिसे देखिए लखनऊ संस्करण है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लॉकडाउन खत्म होते ही 15 दिनों में विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों के स्नातक व परास्नातक कोर्सेज के विद्यार्थियों की छोटी परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी विश्वविद्यालय यदि इससे पहले भी परीक्षाएं शुरू करना चाहता है तो करा सकता है। मतलब कि 15 दिन में उसे हर हालत में तो कराना ही है। अब आप ये तैयारी करिए, जैसे कल अभी एक खबर आ रही थी कि 3 सप्ताह बाद शुरू होंगी, अब उस बात को मैं यहाँ पे काट रहा हूँ कि 3 सप्ताह बाद की जो बात की जा रही है वो यहाँ पे देखिए, उन्होंने 15 दिन बाद शुरू करने की बात, मतलब 2 सप्ताह। और अगर कोई विश्वविद्यालय यह चाहता है कि नहीं हम पहले भी परीक्षा करा लेंगे तो वो पहले भी उसको करा सकता है। मतलब कि आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है कि हमें अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद आपका पेपर शुरू होना है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आपको रहना है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा शुक्रवार को योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों और उच्च विभाग के अधिकारियों में लॉकडाउन हटने के बाद परीक्षा की तैयारियों व ऑनलाइन पढ़ाई की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने अब इसमें देखो, उन्होंने लिखा डॉक्टर शर्मा ने, अब एक एक लाइन अभी आप चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, को देखें डॉक्टर शर्मा ने परीक्षा में केवल 4 सवाल पूछने, परीक्षा केवल 2 घंटे रखने और 3 पालियों में परीक्षा कराने के निर्देश दिए। ये मैंने कल अपने वीडियो में बताया था, देख लीजिए कि क्या ये खबर पूरी तरीके से सही है। देख लीजिए, कल भी मैंने कहा था कि पेपर कई जो पेपर होते थे उनके स्थान पे एक पेपर होगा, समय कम किया जाएगा। माननीय दिनेश शर्मा जी ने भी कल अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शाम को यही बात कही है। तो देख लीजिए, जैसा कि तो जब भी आपको कोई खबर दी जा रही है तो गलत नहीं है, पूरी तरीके से सही है। जब हम उसको प्रूव कर लेते हैं कि नहीं ये सही, तभी आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो और बाकी कापियों की जाँच शुरू हो जाएगी। हाँ, और एक महत्वपूर्ण खबर है, जून में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा और जुलाई में आप स्नातक में अपना दाखिला ले सकते हैं। जून में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा, ये भी माननीय डिप्टी सीएम जी ने कहा है। तो यही खबर थी आज की, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबर और ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारे चैनल से साथ जुड़े रहें।